हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल टेक लाइक यू में। और आज हम बात करेंगे, अगर आप किसी भी कॉन्टेक्ट या किसी भी बैंक अकाउंट या किसी भी पर्सन के इसमें आपके गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो आज आपको उसे कैसे रिफंड लाना है। आपका चाहे 24 घंटे हो या 2 दिन हो चुके हो या आप कितना भी टाइम हो चुका है, उसे आप रिफंड कैसे ले सकते हो, आपके मनी आपके पास रिफंड आ जाएंगे सक्सेसफुली, आपके सामने लाइव करके बताऊँगा। तो आपने भी किसी बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करने थे बट उसमें से कुछ नंबर गलत हो चुके हैं तो किसी गलत अकाउंट में पैसे चले गए तो आपको उसे पैसे को रिटर्न लेना है, तो उसे कैसे लेना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सबसे पहले अपने फोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो मैं यहाँ हिस्ट्री का ऑप्शन मिल रहा है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नीचे से, तो सिंपल से मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ मुझे ट्रांजेक्शन काफ़ी सारे दिख रहे हैं बट मेरे को अभी यह एक ऑप्शन भी दिख रहा है जिस पर मुझे बता रहा है, देख सकते हो यह मैंने पैसा भेजा था या पैसा मिल चुका है। अब मैं आपको यहाँ क्या करूँगा, पैसा जब मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा करना क्योंकि मेरा यहाँ से कोई गलत अकाउंट में पैसे नहीं गए बट मैं आपको सेम प्रोसेस बता रहा हूँ जिसको आपको अप्लाई करना है। देख सकते हो मैं यहाँ एक अकाउंट दिख रहा है जिस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सिंपल सा उस ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, देख सकते हो रिसीव फ्रो और यह सर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली बताएंगे बट आपका अकाउंट पैसे गलत जगह गए, तो आपको सिंपल सा ऐसे ही क्लिक करना है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का, सिंपल सा आपको यहाँ कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे क्लिक करोगे या कुछ देर आपको वेट कर लेना है, देख सकते हो आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, सिंपल सा होने देते हो ऑन इसे। जब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि आपका 100% यहाँ से मनी रिटर्न आने वाली है। देख सकते हो यह ऑप्शन आ चुके हैं मेरे सामने काफी सारे, तो नीचे का ऑप्शन आप देख रहे हो माय बैंक इज नॉट हेल्पिंग, यह ऑप्शन है। ऊपर भी एक ऑप्शन मिलेगा अमाउंट नॉट क्रेडिट टू माय अकाउंट, सिंपल से आपको सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है माय बैंक इज नॉट हेल्पिंग, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक आपके सामने नया एक नीचे से पेज ओपन होगा, देख सकते हो इसमें आपको बता रहा है काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सिंपल से इसे होने देते हैं। आपका एक देखो नीचे टिकट का नंबर दिया जाएगा, ये टिकट आपका किस काम के लिए वो भी बताऊंगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सिंपल से हम यहाँ वेट करते हैं, तो देख सकते हो ये हमारा टिकट से हो चुका है, मतलब हमारी यहाँ से कंप्लेंट हो चुकी है। अभी सिंपल से आपको इसके आगे भी कुछ प्रोसेस करना होगा जब भी आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी देख सकते हो आपको यहाँ हो चुका है आपका इतना रिसॉल्व। उसके बाद एक ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हो ये थोड़ा ब्लैक कलर में नाउ मोर रेजिंग अ कंप्लेंट विथ NPCI, सिंपल से आपको क्या करना है NPCI इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, देख सकते हो ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, देख सकते हो अभी हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद सिंपल से बैक ले लेना है, डबल से आपको बैक लेना होगा, फिर देख सकते हो ये आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, तो सिंपल से अभी देख सकते हो ये हमें क्लिक कर देते हो चुका है आपका कंप्लेंट हो चुकी है। अब इसको थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यह एक ऑप्शन आएगा, देखो प्लीज डोंट वरी टैब हेयर टू राइज अ कंप्लेंट विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दे विल हेल्प यू। सिंपल से आपको सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका पेमेंट सच्ची में आपका दूसरे अकाउंट में गया तभी ये करना, अदरवाइज मत करना। देखो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको थोड़ा ये ब्लैक कलर में हेयर का, सिंपल से हेयर पे क्लिक कर देना है। जी जी अब हेयर पे क्लिक करूंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको भीम UPI गेट इन टच, तो आपको यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ कंप्लेंट होंगी सिंपल सा, तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांजेक्शन का, सिंपल से ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दूंगे। आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके पर्सन टू पर्सन पर क्लिक कर देना है। अगर आप मर्चेंट अकाउंट में हुआ है तो आप मर्चेंट पर क्लिक कर सकते हो, मर्चेंट में नहीं होता है। उसके बाद आपको इशू पर क्लिक कर देना है, इशू पर क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखो इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर बैंक अकाउंट, या आप सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कमेंट में कुछ आपको टैक्स लिख देना है कि ऐसा ऐसा हो चुका है। ट्रांजेक्शन आईडी में आपको ट्रांजेक्शन आईडी के नंबर डाल देना है, बैंक अकाउंट डालना है आपका बैंक कौन सा नेम का है, सिंपल से वो बैंक डाल देना है इसमें सारे बैंक से। उसके बाद आपको VPA का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मतलब आपका पेमेंट का एड्रेस क्या था वो आपको फिल करना है। उसके बाद अमाउंट कितना था वो डालना है, और आपको डेट तारीख यहाँ डाल देनी है जिससे आपको वो पता चले कि ये सही आप ट्रांजेक्शन बता रहे हैं। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देनी है आपको अपनी, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद करेंटली बेनिफिशियरी नेम डाल देना है, सिंपल से आपको किस में डालना था वो डाल देना है। उसके बाद नीचे हॉर डबल आपको डाल देना है करेंट बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, अगर अकाउंट नंबर डाले थे आपने तो वो डाल देना है। उसके बाद उसको उसके बाद उनका देखो या VPA डाल देना है, और उसके बाद आपको करेक्ट बेनिफिशियरी बैंक उनका भी डाल देना है कि कौन से बैंक में चले गया गलती से। अब सिंपल से इतना डालने के बाद आपको कुछ दिया, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्लीज़ अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, तो आपको अपना स्टेटमेंट निकालना है आपके बैंक का और वो आपको इसमें PDF बना के अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे मैथ का एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा सिंपल रहता है, उसको इसमें फिल करके आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपके यहाँ से 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी और आपको रिस्पांस मिल जाएगा कि आपका यहाँ से क्या प्रॉब्लम था और सॉल्व हो गया है नहीं, और व्यू टिकट पे भी आपकी कंप्लेंट हो चुकी है इससे आपके पैसे बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना पेमेंट रिटर्न कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मत लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।